कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। क्या कहा भूषण कुमार ने आदि पुरुष को लेकर? आखिर क्यों लाल सिंह चड्ढा की टीम ने कहा शुक्रिया भूषण कुमार को? क्या होने वाली है फिल्म की कहानी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। प्रभास और प्रीति सेनन की आगामी फिल्म आदि पुरुष साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसकी घोषणा के बाद से ही फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां दर्शकों को प्रभास की बहुचर्चित फिल्म की रिलीज का इंतजार है, वहीं शो के कलाकार लगातार सोशल मीडिया के जरिए सेट से दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ फैंस फिल्म की नई रिलीज डेट जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। हाल ही में फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इसे लेकर बड़े संकेत दिए हैं। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने हाल ही में बहुचर्चित फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी। भूषण कुमार ने खुलासा किया है कि ये फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी। उन्होंने कहा, अभी हमने आदि पुरुष की रिलीज डेट तय नहीं की है, एक बार फैसला लेने के बाद हम इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन हम इसे दिवाली के वीकेंड पर ही रिलीज करेंगे, लेकिन इस साल नहीं अगले साल, क्योंकि इस साल अन्य फिल्मों की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि फिल्म के लिए प्रभास के फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाहुबली फेम एक्टर फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कृति सेनन माता सीता के रोल में नजर आएंगी। उनके अलावा सुपरस्टार सैफ अली खान मुख्य विलन लंकेश यानी कि रावण की भूमिका में सनी सिंह लक्ष्मण के रूप में और देवदत्त नागे हनुमान का रोल प्ले करेंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में आ सकती थी, लेकिन कुछ तारीख की दिक्कत की वजह से और शूटिंग पूरी ना होने की वजह से ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में आएगी। इसी के साथ इस साल की डेट उन्होंने आमिर खान को दे दी है और आमिर खान ने और उनकी टीम ने प्रभास की टीम को शुक्रिया अदा किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आदि पुरुष हिट हो पाएगी? क्या प्रभास की ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।